Good morning, students. This is our anaphysio class. In our previous class, we studied about the sound. हमने पढ़ा था कि sound कैसे आ रहा है, क्या उसका auditory pathway है, कौन कौन सी structures का उसके अंदर role होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी. और इसी में मैंने आपको साउंड ट्रांसडक्शन भी पढ़ाया था कि साउंड एनर्जी को न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसे ब्रेन में इंटरप्रेट किया जाता है कि ये साउंड परसेप्शन ही है. इसको अपन साउंड ट्रांसडक्शन कहते हैं. इस कन्वर्जन और इंटरप्रिटेशन को अपन साउंड ट्रांसडक्शन कहते हैं. इसके बाद मैंने आपको थोड़ा बहुत ये भी बताया था, जब साउंड का हमने पूरा पाथवे मैकेनिज्म पढ़ा तो उसमें मैंने कहा था कि सेंसरी कोडिंग एक चीज़ होती है. सेंसरी कोडिंग क्या है कि हमारा कान ये पहचानता है कि जो साउंड आ रहा है वो लाउड है या सॉफ्ट है, और या फिर वो हाई पिच्ड साउंड है या लो पिच्ड साउंड है, और वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर से पहचानता है, कौन सा मैकेनिज्म इसमें रोल प्ले करता है, वो हमारे को आज की क्लास में पढ़ना है. प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था लाउड और सॉफ्ट साउंड में डिफरेंस करने के, डिस्क्रिमिनेट करने के काम जो ऑर्गन आता है उसका नाम था ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. जबकि हाई और लो पिच को डिस्क्रिमिनेट करने का काम कर रही थी हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन. कान में इनर ईयर में जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो डिस्क्रिमिनेट करती है हाई और लो पिच साउंड को. तो अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं भाई कैसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई अपना फंक्शन कैसे कर रहा है, उसके बाद हम देखेंगे बेसल मेम्ब्रेन कैसे अपना फंक्शन कर रही है. तो आज का हमारा टॉपिक है सेंसरी कोडिंग, इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द लाउड वर्सेस सॉफ्ट साउंड. तो देखिए, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जैसे मैंने बताया कि इसका काम है कि ये साउंड की इंटेंसिटी को डिस्क्रिमिनेट करता है. अलग अलग तरह की जो इंटेंसिटीज आ रही है, कोई बहुत सॉफ्टली बात करता है, कोई बहुत लाउडली बात करता है, कोई ठीक ठाक तरह की बात करता है, तो वो हम पहचान सकते हैं. कोई हमें डांट रहा है तो हमें मालूम चलता है कि सामने वाला बंदा हमें डांट रहा है, चाहे हम उसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे, या देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, पर हम सुन करके भी बता सकते हैं कि पर्सन किस मूड में है. और वो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं तो हाँ, वो अभी शांत है, मूड अच्छा है, ये चीज़ हम सिर्फ सुन करके बता सकते हैं. और ये चीज़ हमारे जो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का काम है कि वो ये बताता है साउंड किस तरह का है. जैसे अगर कोई लाउड साउंड आ रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो वो आपके ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई उसको बहुत तेज़ी से हिलाता है, विग्रस उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है लाउड साउंड जो है, जिससे कि आपकी बहुत सारी हेयर सेल्स जो हैं वो एक्साइट हो जाती हैं, और बेसिलर मेम्ब्रेन भी ऑब्वियसली उन हेयर सेल्स के साथ में एक्साइट होगी और हिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बेसिलर मेम्ब्रेन हिल रही है, तभी तो जा रहा है ना, साउंड ट्रैवल कर रहा है. तो बेसिलर मेम्ब्रेन तेज़ी से हिल रही है और लार्ज नंबर में जो हेयर सेल्स है वो एक्साइट हो गई हैं, अगर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में वाइब्रेशन तेज होगा. और ये तेज तब होगा जब साउंड लाउड किस्म का आपके पास आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का एक्शन पोटेंशियल जो है वो आपके कोक्लियर नर्व में स्टार्ट होएगा. कोक्लियर नर्व जो है अब उसका जो नर्व फाइबर्स है वो एक्टिव होकर के एक्टिव किससे हो रहा है भाई, वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को एक्टिव कर रहा है, तो वो अपना मैसेज जो है लेकर के जाएगा. तो ये फंक्शन इस तरह से कर रहा होता है कि भाई कितना बड़ा रीज़न ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का जो है वो कोक्लियर नर्व फाइबर को एक्टिव कर रहा है या इंटेंसली एक्टिव कर रहा है, और उसी के बेसिस पर हमारा ब्रेन जो है वो ये डिटेक्ट कर पाता है. क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का ब्रॉड रीज़न अगर एक्टिव कर रहा है नर्व फाइबर को, तो ब्रेन तक जैसे ही मैसेज पहुंचेगा ब्रेन डिटेक्ट कर लेगा कि अरे भाई ये तो साउंड बहुत ज़्यादा लाउड है, और उसी के अकॉर्डिंग, और इसका जस्ट अपोजिट जो है वो आपके सॉफ्ट साउंड में देखने को मिलेगा. मतलब यहाँ जब हमने कहा ग्रेट नंबर ऑफ हेयर सेल्स एक्साइट हो रही हैं, तो वहाँ लो नंबर की हेयर सेल्स एक्साइट हो रही होती हैं. तो हमने क्या बोला कि लाउड और सॉफ्ट साउंड में क्या होता है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इसको डिस्क्रिमिनेट करता है. जैसे ही लाउड साउंड आएगा तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में बहुत तेज वाइब्रेशन होना स्टार्ट होएगा, जिसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा एरिया और उसके ऊपर के बहुत सारे हेयर सेल्स जो हैं वो एक्साइट हो जाएंगे, जिससे कि हाई फ्रीक्वेंसी का एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा कोक्लियर नर्व के अंदर. एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जनरेट होगा.
और इंटेंस एक्टिविटी जो है आपके कोक्लियर नर्व फाइबर्स में जनरेट होएगी, क्योंकि ब्रॉड रीजन ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है वो हिल रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। इस चीज़ को आपका ब्रेन डिटेक्ट कर लेगा कि अच्छा ज़्यादा बड़ा एरिया आपका ऑर्गन ऑफ कॉटाई का हिल रहा है और ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी आपके कोक्लियर नर्व फाइबर्स की हो रही है, इसका मतलब वो कैसा साउंड है, लाउड साउंड है, ये इंटरप्रिटेट हो गया। और जस्ट रिवर्स प्रोसेस आपको सॉफ्ट साउंड में दिखाई देगा कि भाई कम एरिया ऑर्गन ऑफ कॉटाई, कम बेसल मेम्ब्रेन हिलेगी, कम हेयर सेल्स इन्वॉल्व होंगी और इंटेंस एक्टिविटी भी आपकी कोक्लियर नर्व फाइबर्स की उतनी नहीं देखी जाएगी, तो इसका मतलब वो साउंड कैसा है, सॉफ्ट साउंड है। तो ये तो हुआ लाउड वर्सेस सॉफ्ट साउंड। इसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं हाई पिच्ड वर्सेस लो पिच्ड साउंड, कि भाई कोई तीखा बोल रहा है और कोई काफ़ी गरज के साथ आवाज़, तीखी एक अलग चीज़ होती है, पिन के जैसे साउंड आना, जैसे लड़कियों के हाई पिच की साउंड होती है जनरली, जबकि बॉयज़ की आवाज़ भारी होती है, गर्ल्स की आवाज़ पतली तीखी होती है और बॉयज़ की भारी आवाज़ होती है। तो ये पतली तीखी आवाज़ और भारी आवाज़ के बेसिस पर हम सुन के बता सकते हैं कि जो आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, चाहे हमें दिखाई ना दे रहा हो पर्सन, अगर दरवाजे के बाहर भी खड़ा होकर के, रूम के बाहर भी खड़ा होकर के कोई बोल रहा है, तो आप सुन करके बता सकते हो कि लड़कियां आपस में बात कर रही हैं या लड़के बात कर रहे हैं, या आवाज़ कोई आपको दे रहा है तो लड़की ने आवाज़ लगाई या लड़के ने आवाज़ लगाई, क्योंकि पिच जो होती है वो अलग अलग होती है और उसको डिस्क्रिमिनेट करने का काम आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन करती है। बेसिलर मेम्ब्रेन एनेबल्स अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई एंड लो पिच्ड साउंड्स। मेम्ब्रेन जो है वो स्पैन होती है, छोटे स्टिफ जो कड़े से फाइबर्स हैं अलग अलग लेंस के, उस मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए छोटे छोटे से स्टिफ्ड फाइबर्स लगे हुए होते हैं, उनके बेसिस पर मेम्ब्रेन स्पैन होती है। और इसके लोअर एंड पर जो है द बेसल मेम्ब्रेन इज अटैच्ड नैरो एंड स्टिफ, और लोअर एंड पे ज़्यादा नैरो ज़्यादा स्टिफ्ड हो जाती है, जबकि टॉप एंड पर जो है ये अटैच्ड नहीं हो पाती है और वाइडर और मोर फ्लेक्सिबल बनी हुई रहती है। बेसल मेम्ब्रेन के बारे में बताया हुआ है कि अपने इसका लोअर एंड और टॉप एंड, दो एंड जो अपन देख रहे हैं, तो इसके टॉप एंड पर जो है ये अनअटैच्ड है, वाइडर और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जबकि अपने लोअर एंड पर बेसल मेम्ब्रेन जुड़ी हुई रहती है, नैरो रहती है और स्टिफ्ड रहती है। अब वाइब्रेशन जैसे ही एक रीज़न से आया, बेसल मेम्ब्रेन के एक रीज़न से आया, तो जो वाइब्रेशन की वेव्स है वो ट्रैवल करती हैं नीचे की तरफ, उसकी लेंथ के नीचे की तरफ। वाइब्रेशन कॉज अ वेव ऑफ वाइब्रेशन टू ट्रैवल डाउन इट्स लेंथ एंड बैक अगेन, नीचे आएगी फिर वापस चली जाएगी, आई और चली गई, इस तरह से इसका मूवमेंट हो रहा होता है। इसको अपन स्टैंडिंग वेव कह रहे हैं। स्टैंडिंग वेव क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे है, मतलब वो खड़ी खड़ी है, लेफ्ट टू राइट, फ्रंट टू बैक नहीं है, ये अप टू डाउन आ रही है, मतलब स्टैंडिंग वेव है ये, एक तरह की सीधी खड़ी रेखा है। एंड इज एकिन टू प्लकिंग अ स्ट्रिंग एट वन एंड causing a wave vibration, ये vibration एकदम वैसा है कि भाई आपने एक एंड से किसी धागे को, किसी तार को आपने प्लक किया एक एंड से और फिर उससे पूरी पूरी वेव जनरेट हो गई, जैसे एग्जैक्टली गिटार के अंदर होता है। आप कभी देखिए, ऐसा थोड़ी है कि अगर आपको गिटार को बजाना है तो पूरा एक तार पकड़ के आप उसको हिलाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, आप उसके एक एंड पर हल्की सी अपनी अंगुली से उसको छेड़ेंगे और पूरे तार के अंदर जो है वो वाइब्रेशन या आप कहिए वेव स्टार्ट हो जाएगी, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक चल रही होगी, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव, जिसमें एकिन हो रहा है जब आप स्ट्रिंग को प्लग करते हैं एक एंड पर और पूरी वेव का वाइब्रेशन देखने को मिल रहा होता है। जो पीक एम्पलीट्यूड है उस स्टैंडिंग वेव का, वो टॉप पर होता है, टॉप एंड के पास इसका पीक एम्पलीट्यूड होता है जब कोई लो फ्रीक्वेंसी साउंड आ रहा होता है, और अगर साउंड हाई फ्रीक्वेंसी का है तो उस वो जो पीक है वो बॉटम पे होगा। तो ये पीक कहाँ पे आ रहा है उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या डिफ्रेंसिएशन किया जाता है कि वो जो स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव क्या, जो ऊपर से नीचे चल रही है, जो खड़ी अवस्था में है, तो उस स्टैंडिंग वेव में पीक एम्पलीट्यूड उस वेव के टॉप एंड पर है या बॉटम एंड पर है, इसके बेसिस पर हम फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि हमने बताया भाई साउंड में दो ही चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, इसके बेसिस पर ही अपन ने
कैटेगराइज्ड किया था या करैक्टराइज्ड किया था हमने साउंड को कि भाई फ्रीक्वेंसी के बेस पर और इंटेंसिटी के बेसिस पर। तो हमने कहा कि जो स्टैंडिंग वेव है, अगर उस स्टैंडिंग वेव के टॉप एंड पर पीक एम्पलीट्यूड आपको मिल रहा है, इसका मतलब वो लो फ्रीक्वेंसी का साउंड है, और अगर बॉटम एंड पर आपको पीक एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो हायर फ्रीक्वेंसी का साउंड है। और इस तरह का जब कोई सिग्नल ब्रेन रिसीव करता है इनर हेयर सेल्स के टॉप एंड पर, तो इसका मतलब है वो लो पिच्ड साउंड है। हेयर सेल्स के टॉप एंड से अगर सिग्नल आ रहा है ब्रेन को, तो लो पिच्ड साउंड है, और इसका उल्टा हो जाएगा। लाइकवाइज व्हेन द ब्रेन रिसीव सिग्नल मेनली फ्रॉम द इनर हेयर सेल्स एट द बॉटम एंड, द साउंड इज इंटरप्रेटेड एज बीइंग हाई पिच्ड। लोअर एंड से आया तो हाई पिच्ड का, अपर एंड से आया तो लो पिच्ड का साउंड है। सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट वाली चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। कि भाई हमने कहा कि जब हमारे को पिच इसकी देखनी है साउंड की कि कैसी पिच है, तो बेसल मेम्ब्रेन उसको डिफरेंशिएट करती है। बेसल मेम्ब्रेन जिसके ऊपर हेयर सेल्स लगी हुई होती हैं, इसमें साउंड जो है वो अप से डाउन तक ट्रैवल करता है और फिर वापस चला जाता है। अब जब ये अप से डाउन ट्रैवल कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, किस तरह की वेव्स हैं, ये स्टैंडिंग वेव्स हैं। अब स्टैंडिंग वेव्स एग्जैक्टली वैसे जैसे तार को खींचते हैं अपन गिटार के तार को, तो उसमें जैसे वेव्स जनरेट होती है, वैसे ही स्टैंडिंग वेव्स के अंदर देखने को मिल रहा होता है। अब स्टैंडिंग वेव्स जो आ रही हैं, उसमें आपका जो एम्पलीट्यूड है वो पीक पर कहाँ जा रहा है। पीक पर अगर टॉप पे पीक से आपको एम्पलीट्यूड साउंड का मिल रहा है, तो वो लो फ्रीक्वेंसी या लो पिच्ड साउंड कहलाएगा। और अगर वही पीक एम्पलीट्यूड उस स्टैंडिंग वेव में बॉटम से आ रहा है, तो उसको अपन हायर फ्रीक्वेंसी साउंड या हाई पिच्ड साउंड कहते हैं। इसीलिए हमारी रियलिटी में अगर हम कहें कि हमारे जो दिनचर्या या हमारी जो एवरीडे की लाइफ है, उसमें जो भी हम कोई बात सुन रहे हैं, कोई भाषण सुन रहे हैं, कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, या और भी दूसरे जो भी साउंड सुन रहे होते हैं, वो एक्चुअली प्योर टोन्स नहीं होती। ये रियलिटी है कि वो प्योर टोन्स नहीं है जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, बल्कि उसकी जगह ये एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन हमारी बेसल मेम्ब्रेन में पैदा कर देते हैं, जो कि डिकोड होती है और ब्रेन में इंटरप्रेट होती है। कॉम्प्लेक्स तरह का पैटर्न आप वाइब्रेशंस का सुन रहे होते हैं। जनरल तो मेथड ये वाला जो हमने भी पढ़ा के टॉप और बॉटम वाला है, पर जो रियल में हम साउंड सुन रहे हैं वो प्योर टोन्स के होते ही नहीं हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन हमारे अंदर पैदा करते हैं। जो रोज़मर्रा के साउंड है, वो बेसल मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स पैटर्न पैदा करना है वाइब्रेशंस की, जिनको फिर हमारा ब्रेन डिकोड करता है और इंटरप्रेट कर रहा होता है। तो ये आपका साउंड का टॉपिक है, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि सेंसरी कोडिंग कैसे हो रही होती है, कैसे कोडिंग डी कोडिंग हो रही है, ब्रेन कैसे पहचानता है, क्योंकि ब्रेन का काम है पहचानने का, कि वो कैसे पहचानता है कि साउंड लाउड है या सॉफ्ट है, लो पिच्ड है या हाई पिच्ड साउंड है। तो ये सब हमने आज अपनी इस क्लास के अंदर देखा। इसके साथ आपके कान का जो हियरिंग का फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया। ईयर की जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी, तो उसमें हम यही पढ़ रहे हैं ईयर का मेन फंक्शन क्या है कि हियरिंग का। तो हियरिंग का फंक्शन जो है वो हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, पर ईयर अभी तक हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, उसका सिर्फ स्ट्रक्चर ख़त्म हो गई है, उसके फंक्शंस ख़त्म हो गए हैं, पर ईयर में अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। क्या बहुत सारी चीज़ें बाकी है? क्योंकि हमने कहा था कि ईयर का काम केवल सुनने का नहीं होता, बल्कि वो हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को भी बना करके रखता है, यानी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। बैलेंस कोऑर्डिनेशन को बनाता है, मतलब इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो हमारे को इक्विलिब्रियम को भी पढ़ना है। इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद हमारे को ब्रेन के जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ने हैं, उन डिसऑर्डर्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो चीज़ें भी हमारे को पढ़नी हैं। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, यानी डिसफंक्शन ऑफ द ईयर भी हम अपनी एक क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जितने भी हैं, कई सारे हैं ईयर के डिसफंक्शंस। और ट्रीटमेंट, अगर किसी को हियरिंग लॉस हो गया है तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर। और जब हम
इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो हमारे को और भी कई सारी वेरियस स्ट्रक्चर जो अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं करी है वो और भी स्ट्रक्चर्स उसके अंदर डिस्कस होंगे, मतलब एनाटॉमी भी अभी थोड़ी अपन और साथ में पढ़ेंगे जब हम इक्विलिब्रियम यानी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप अपने पुराने पेपर्स भी आराम से उठा करके देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा हुआ हो जो हमने नहीं पढ़ा हो, नहीं क्लास में डिस्कस हुआ हो, तो आप मेरे को मेल के थ्रू बता सकते हैं, फ़ोन पे पूछ सकते हैं आप मुझसे, तो मैं आपके वो क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व कर दूँगी। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे इक्विलिब्रियम का टॉपिक पढ़ने के लिए।